चलिए भाई और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आप पर इवेंट uh, से पहले ही पहुंच जाए जिससे आप लोग उसमें शामिल हो गए राइट चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग हमारे सेशन को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गरिमा हाँ मतलब बेटर देन प्रीवियस डे बट ये नहीं कहूंगा आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट बट क्लास तो लेना इट्स माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी हाउ ठीक है तो आई डोंट वॉन्ट टू मिस द क्लासेज इवन दो आई एम ऑन ट्रिप

उसके बाद में ये देखिए एक स्पेशल इवेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं स्पेशली फॉर एस एस सी सीजीएल स्टूडेंट्स ठीक है तो वन वर्ड फाइव रहेंगे फाइव इडियमेटिक एक्सप्रेशन रहेंगे फिर उसके बाद आपका एडिटोरियल का डिस्कशन रहेगा फिर जो लास्ट डे क्वेश्चन पूछा था उसके जो विनर्स है उनके नाम अनाउंस होंगे फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा ठीक है मेरे भाई चलिए भाई शुरू करते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखना इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम अगर आपने ड्रीम देखा है तो उसको पूरा करने की हिम्मत आपके अंदर ही है और किसी में नहीं तो बस अपने जज्बे को कायम रखिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए चलिए भाई तो एडिटोरियल ओवरव्यू आज सबसे पहले मैंने जैसे आपको लास्ट टू लास्ट डे बताया था कि आजकल पॉलिटिक्स के मुद्दों पर पूरा एडिटोरियल आ ही रहा है तो आज भी जो सारे पैराग्राफ्स हैं वो पॉलिटिक्स पर बेस्ड है चाहे वो केरला में चुनाव जो आने वाले हैं उनके ऊपर है जैसे यहाँ पर लिखा है केरला ट्रायंगल केरला ट्रायंगल के ऊपर मतलब केरला में जो अलग-अलग पार्टीज हैं वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज़ बना रही हैं किस तरह से चाहे कांग्रेस का गठबंधन हो चाहे एनडीए का गठबंधन हो क्या-क्या रिफॉर्म्स क्या-क्या चेंजेस वो कर रहे हैं जिससे वो पावर में आ पाए वहां पर Obviously, अगर हम बात करें बीजेपी की तो एक लोगों की आइडियोलॉजी है साउथ में भी कि ये है, पार, है? ठीक है? तो को अपना एक बोलते हैं ना कब्जा करने के लिए वहां पर एक बहुत ज्यादा एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है तो दे आर बेस्ट ओवर देयर री इन्वेंटिंग रेडिकल पॉलिटिक्स बाय लुकिंग लेफ्ट तो इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर बात की गई है एक पर्टिकुलर ग्रुप की द लेफ्ट

पावर दी है कि आप लोग पूरी अथॉरिटी के साथ अपने इलेक्शन को कन्वे कीजिए और कोई भी व्यवधान वहां पर नहीं आना चाहिए सो दिस इज द पॉइंट एन ऑड पॉलिटिकल हाइब्रिडाइजेशन विद हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर केरला में बीजेपी ने जो मुस्लिम लीग

चलिए भाई हैगमनी काफी अच्छा वर्ड है देखो पॉलिटिक्स में ही यूज होता है ये वर्ड ज्यादातर हैगमनी का मतलब क्या होता है आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डोमिनेट डोमिनेट का मतलब क्या है सीधे सीधे अगर हम बात करें तो आजकल ये ये जो वर्ड स्पेशली यूज होता है कंट्रीज के लिए ये भी ध्यान रखना कंट्रीज के लिए यूज होता है कंट्री क्या चाहती है कहीं ना कहीं एक बोलते हैं उनको जाए जिससे बाकी देश उनके अंडर काम करें ये होता है, बनने का सपना हर देश देखता है एक तो उसके पास इतनी हो कि सब लोग मतलब, बोलता ना, हो तो का मतलब क्या होता है powerful, वही, वाला तो जिसमें क्या है सब लोग आपके अंडर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका नेचर कैसा हो जाएगा अथॉरिटेटिव के में बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं डोमिनेंट ने

अगली वर्ड वर्ड देखिए लेफ्ट ये ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल टर्म ही है मैंने कहा अगर पैराग्राफ में यूज हुआ है तो आपको इससे अवगत कराना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को सुन तो लेते हैं लेकिन कोई हमें समझाता नहीं है हमें लगता है लेफ्ट मतलब वही दाया बाया वाला सिस्टम चलिए भाई पोलिटिकल ग्रुप्स हु फेवर शेयरिंग मनी एंड प्रॉपर्टी मोर इक्वली अमंगस ऑफ सोसाइटी समझ गए ये जनरली किस एजेंडे के लोग होते हैं जो सोसाइटी में इनफ्लो ऑफ मनी रखते हैं जिससे लोग उनके प्रति झुकाव रखे हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये वो ग्रुप है जो बोल सकते हैं हम लोग पैसे के मामले में पैसों पर ज्यादा प्रायोरिटी देता है जिससे लोग उनके उनकी तरफ क्या हो सपोर्ट करें उनको सो द लेफ्ट वर्ड का यूज हम लोग उस क्लास के लिए करते हैं उस ग्रुप के लिए करते हैं।

तो हम लोग का यूज करते हैं एग्जाम्पल देख लेना देयर इज ग्रोइंग द क्लब इज बीइंग रन यानी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो क्लब चल रहा है ये शो कर रहा है कि उनके अंदर जो लोग चला रहे हैं उनके अंदर मोह भंग का एक फिनोमेना Create या डेवलप हो चुका है तो मो भंग को हम लोग क्या मोहंगे डिसमेंट क्लियर एवरी वन आई होप आप लोगों को ये नए वर्ड्स यहाँ पर समझने और सुनने मिल रहे होंगे ठीक है फटाफट से एक बार और लोग कनेक्ट हो जाइए सेशन को शेयर करिएगा इस जल्दी से चले भाई नेक्स्ट वर्ड आता है बुलवाक भाई अब काफी यूज होता है आजकल ये बुलवाक बुलवाक का मतलब क्या हो जाता है समझते हैं जरा जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ढाल सुना है, का मतलब क्या है? तो वो भी बुलवाक का, का काम कर रहा है क्या, क्या? क्योंकि जो की डेंजरस सिचुएशन अराइज हो रही है वैसे बुलवाक को हम लोग शील्ड वर्ड से ध्यान ज्यादा रखेंगे तो अच्छे से आप ध्यान रख पाएंगे जो डेंजरस सिचुएशन आपके सामने अराइज हो उस

इमेज यहाँ पर स्टिक की हुई है ठीक है ये इमेज स्टिक की हुई है आपने देखा होगा जैसे जनरली जो मेंटल असाइलम्स होते हैं वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है है यानी बहुत ज्यादा क्रेजीनेस शो करता है, तो उसको इस तरह के शूट में डाल दिया जाता है जिससे वो अपने हाथ को एकदम मूव ना कर पाए आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में अक्सर दिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक मेंटल लेवल के बोलते हैं ना एक्सटेंड पर चला जाता है तो दिस काइंड ऑफ सूट इज ऑफर्ड या गार्ब जिसे हम लोग बोलते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई स्ट्रेट जैक स्ट्रेट जैकेट का मतलब क्या होता है समथिंग दैट रेजिस्ट और कंफाइंस और लिमिट अब ये तो हो गया इसका वर्बल मीनिंग लेकिन ये एक जैकेट भी है ठीक है ना जिसमें आप क्या कर सकते हैं आपके हाथ मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा समथिंग दैट रेजिस्ट और कन्फाइन्स और लिमिट कोई भी चीज जिसमें आप रुका जो आपको रुकाव कर दे रुकावट कर दे दैट इज स्ट्रेट जैकेट ठीक है तो दोनों मीनिंग मैंने आपको यहां समझा दी ये इसका लॉजिकल मीनिंग हो गया

ठीक है ये स्पेसिफाइड वर्ड है प्लोरेटेरियट ठीक है ना प्रोलेटेरिएट श्रमिक वर्ग को बोलते हैं जो केवल लेबर में बिलीव करता है स्किल्स में नहीं तो क्लास विच

कोशिश की जा रही है करप्शन को कंट्रोल करने की लेकिन हो क्या रहा है वो एकदम अनकंट्रोलेबल मतलब हाथ से एकदम फिसलता जा रहा है कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ना लोग ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं प्रेडिकमेंट भैया काफी यूज होता है ये चाहे आपका एग्जाम हो चाहे आपका न्यूज़पेपर तो प्लीज इस वर्ग को मार्क कर लेना मेरे भाई प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन अब जो भी एक एक बात खुद सोचो आप जैसे वर्ड लिखा है अनप्लेजेंट कठिन परिस्थिति किसको अच्छी लगती है किसी को नहीं तो जब भी कठिन परिस्थिति जैसा वर्ड आएगा मेरे भाई तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि जो परिस्थिति है वो अनप्लेजेंट तो हो ही जाएगी सरल चीजें अच्छी लगती है अब एक का दो का लोग होते हैं जिनको लगता है है। है। कि कि नहीं भाई, कठिन परिस्थिति भी अच्छी है। तो it's all about mental disorder, कि किस तरह से आप चीजों को organize करते हो और person to person vary करता है। लेकिन actual में अगर predicament की बात करें हम लोग तो एक कठिन परिस्थिति को ये डिनोट करता है ठीक है नेक्स्ट वर्ड ये पहले भी आ चुका है अगर किसी ने गौर किया हो जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं दे मस्ट फाउंड दिस वर्ड प्रीवियसली आउटलैंडिश आउटलैंड outland करके मैंने याद भी कराया था बाहर की जमीन तो स्ट्रेंज और अनयूजुअल डिफिकल्टी टू एक्सेप्ट या मैं बोल सकता हूं कोई भी चीज जो अलग है स्ट्रेंज है जिसे आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो Obviously, कोई भी चीज जो बाहरी होगी स्ट्रेंज होगी उसे हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई भाई दैट दैट इज इज आउटलैंडिश आउटलैंडिश क्या कहते हैं क्लियर चलिए देख लो जैसे एन आउटलैंडिश बिहेवियर किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो आउटलैंडिश हो जाए मतलब सीधे सीधे दैट इज टर्न आउट टू बी बनयूजल तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं दैट इज आउटलैंड आउटलैंडिश बिहेवियर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विकी ठीक है आगे बढ़ते हैं Personage, मेरे भाई अच्छा वर्ड है याद रखना पर्सन माने व्यक्ति अब इसमें एक वर्ड जुड़ गया एज तो देखिए पर्सनेज का मतलब क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट है और फेमस है एक ऐसा व्यक्ति जो काफी इंपॉर्टेंट है और फेमस है सेलिब्रिटीज जो होते हैं पर्सनेज हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे पर्सनेज क्लियर एवरी चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं दैट इज स्क्वेबल

ट्रिफिल वर्ड यहाँ से ध्यान रखना छोटा मोटा झगड़ा छोटी मोटी चीजों पर जो अनइंपॉर्टेंट चीजों पर शुरू हो दैट इज होजलो ट्रिफल ठीक है तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे नए वर्ड होंगे आप लोगों के लिए और कहीं ना कहीं एडिटोरियल में आप लोग इस तरह से चीजें सीख रहे हैं ठीक है मुझे पता है कम लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं अभी बट इट्स फाइन जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंटली सारी चीजें समझ में आनी चाहिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सो हेयर कम्स द फर्स्ट कॉमन एर जो कि एडिटोरियल पर बेस्ड है फटाफट से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलती क्या है इट इज द एजेंट्स ऑफ सच एज

अगले वर्ड की तरफ आते हैं मेरे भाई जल्दी से बताइएगा अच्छा क्वेश्चन है वंस अगेन क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दों की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स पर बेस्ड आपका कॉमन एरर आजकल बनने भी चाहिए जल्दी से बताइए द बीजेपी में बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ एक्सट्रीम कम्युनलिज्म एंड द आई मैंने अभी बताया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग टू लिबरल कम्युनलिज्म टे द कम्यूनल इकोसिस्टम बोथ दो दू पार्टी देखो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ही कम्युनल एजेंडा पर बेस्ड हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है वहां आया था ना अभी पैराग्राफ जहां पर इनविटेशन भेजा है एक दूसरे के साथ शामिल होने का तो उस चीज में ये यह चीज यहाँ पर डिफाइन हो रही है चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या गलती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Everyone, देखते हैं देखते हैं इट इज द एजेंट्स तो भैया आगे वो एजेंट्स टर्म्स की बात कर रहा है ऑब्जर्वर है ना तो उसमें कोई गलती नहीं है वेरी गुड वेरी गुड जल्दी से लेट्स आंसर गरी माइज सेवर इंग रिमूव बोथ एनिवन एल्सार्ट फ्रॉम दीज टू गाइज

इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई पे भैया आजकल तो आपने देखा होगा बहुत जगह ये चीज देखने मिलती है कुछ लोग होते हैं ना जो काफी ऊंचे पद पर होते हैं और वहां पर उनको काफी ज्यादा सैलरी मिलती है लेकिन काम उतना ज्यादा नहीं है एक बार जल्दी से, से सेशन को शेयर कीजिए गई ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो आज हम लोग काफी अच्छे से चीजें स्टडी करने वाले हैं और अच्छे से ठीक है तो जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन ऑनररी दूसरा कंपेंसेशन तीसरा अलाउंस या फिर जिसे बोलेंगे सिनिक्योर, वेरी गुड पहला आंसर इज फ्रॉम ऑब्जर्वर्स साइड जल्दी से देखते हैं क्या इसका आंसर और हो सकता है तो ऑनररी तो भैया क्या होता है मानदेय बोलते हैं जिसको अनपेड हो बस काम करवा ले तो दैट इज मानदेय। दे कंपेंसेशन आप जानते हो किसी चीज का हरजाना देना जाना बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति की क्षतिपूर्ति हो गई अब आपने उसको आपनेट कर दिया तो वो होता है। भत्ते को बोलते हैं, जो फिर से खर्चों के लिए दिया जाता है उसको बोल सकते हैं काम कम हो पैसा ज्यादा हो तो दैट इज सेनिक्योर ठीक है दैट इज द प्रॉपर वर्ड अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी जल्दी से बताइए वन इन एनी सब्जेक्ट भैया अच्छा और कॉमनली यूज्ड आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जवाब सही सब लोग बहुत बड़े अमेजिंग जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सब्जेक्ट में वेल वर्स्ड हो सॉरी चले भाई क्या बोलेंगे तो पहला वर्ड है वेटरन वेटरन का मतलब आप लोग जानते हैं वन हुक्सपीरियंस्ड

काइंड kind ऑफ of, इन्हें कह सकते हैं काइंड kind ऑफ of, इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं पेडेंट ठीक है पेडेंट का मतलब जो विद्याडंबरी होते हैं तो डेलेथिन का मतलब क्या हो जाता है जो दिखावा करे नॉलेज का बट है नहीं

To father, to king, to mother, and से देखिए अफ वेरीफेक्शन ये आप लोगों के लिए एक अच्छा वर्ड होने वाला है आने वाले सीजीएल और सी एच एस एल एग्जाम के लिए तो प्लीज थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए और आंसर कीजिए Everyone. देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर पर सही देते हैं वेरी गुड गाइज कीप गोइंग है ना चलिए भाई फटाफट से लोग कनेक्ट होते जाइए जितना हो सके और आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देखो सबसे पहला वर्ड जो लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन सीख लो दिस इज कॉल्ड एनवी

जल्दी से बताइए क्या होगा तो बिल्कुल आंसर सब लोगों का यहाँ करेक्ट है देखिए ऑप्टिमिस्ट क्या होता है आशावादी

टू स्नैप वन फिंगर ठीक है अब लॉजिक लगाओ यहाँ पर क्या हो सकता है एवरी वन दोज आर अवेलेबल चलिए भाई फटाफट से आंसर कीजिए वेरी गुड वेरी गुड गाइज तो देखिए ह्यूमनिस्ट तो नहीं हुआ उसका आंसर फिलेंथ्रोपिस्ट जब दिया है तो ह्यूमनिस्ट को हम लोग क्यों चुनेंगे जल्दी से बताइए टू स्नैप वंस फिंगर

उस व्यक्ति ने क्या कहा कि उसने मेरा अपमान कर दिया मतलब सीधे-सीधे कंटेम्प्ट -सीधे की तरह ट्रीट करना किसी को एकदम इंसल्टिव वे में ट्रीट करना तो स्पीक नहीं होगा टू एक्सेप्ट इमीडिएटली नहीं होगा टू ग्रैस्प ईगरली ये भी नहीं हो ग्रैस्प मतलब धारण करना एक्सेप्ट कर लेना ईगरली उत्सुकता से तो आंसर मेरे भाई क्या हो जाता है टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट यानी अपमानजनक तरीके से किसी को ट्रीट करना जैसे हम लोग क्या बोलते हैं टू स्नैप वंस फिंगर्स क्लियर एवरीवन इंपॉर्टेंट हो रहा है सेशन समझ में आ रही है चीजें बिल्कुल याद रखना इस तरह से अगला वर्ड अ पाइप ड्रीम मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इसका आंसर ना कर पाए जल्दी से बताइए पाइप ड्रीम किसे कहते हैं फटाफट -पड़ आंसर आना चाहिए सब लोगों का अ पाइप ड्रीम वेरी गुड वेरी गुड गाइस जो लोग आंसर नहीं दे पाए है ना डी इज द करेक्ट आंसर स्पीक एब्रप्टली वो बोलना हो गया यहाँ पर एक्ट करने के सेंस में यूज होता है ऑब्जर्वर ठीक है अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो हम स्पीक एब्रप्टली यूज करते ठीक है ऑब्जर्वर चलिए भाई अगले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पाइप ड्रीम हिंदी में मेरे भाई क्या बोलते हैं खोखला सपना हिंदी में क्या बोलते हैं खोखला सपना भाई ये खोखला सपना क्या होता है

शेख चिल्ली वाले ड्रीम को बोलते हैं पाइप ड्रीम ठीक है अब देखो पाइप क्या होता है होलो होलो का मतलब क्या होता है जैसे आपने देखा होगा खोखला अब खोखला सपना मतलब क्या होता है आपने वो सोचा तो लेकिन वो क्या हो गया दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अब देखो कुछ लोग इसको फूलिश ड्रीम भी कहते हैं कुछ लोग इसको इम्प्रैक्टिकल प्लान भी कहते हैं तो देखिए अगर इम्प्रैक्टिकल प्लान आपके सामने वर्ड एग्जैक्ट दिया है तो आप इसे चुनोगे इसकी प्रेफरेंस के बेसिस पर अगर मान लो यहाँ पर यह नहीं होता तो हम फूलिश ड्रीम को सिलेक्ट करते ठीक है तो जो लोग बी कह रहे हैं गलत नहीं है लेकिन ऑप्शन प्रायोरिटी हम यहाँ पर चूंकि इम्प्रैक्टिकल प्लान दिया है उसे देंगे क्लियर एवरी ध्यान रखना एग्जाम अगला क्वेश्चन टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट सॉरी टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट अच्छा ये वर्ड को याद रखिए इजी चेयर से इजी चेयर देखिए आपने कुछ लोग इजी चेयर पर बैठकर एकदम आराम का मामला बोलते हैं ना आराम से एंजॉय करते हैं तो भैया इजी टाइम कौन व्यक्ति बिताएगा इजी टाइम कौन व्यक्ति बिताएगा जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर करो टू टेक द वर्ल्ड लाइटली

नेक्स्ट वन जल्दी से बताइए टू लूज वंस हैड टू लूज वंस हैड अपना हैड लूज कर जाना जल्दी से बताओ क्या होगा टू लूज वंस हैड फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन होने की संभावना है कुछ ऑप्शंस में बिल्कुल बिल्कुल गाइस आप लोगों का पिछले क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है चलिए भाई फटाफट फटाफट आंसर करो एक बार यार सेशन को शेयर करो यार तुम लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हो क्या आपके टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहे अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो बोल दो सर मजा नहीं आ रहा इस सेशन को करो। इस कुछ और है तो इतना तो बनता ही है इमोशनल स्टेट वेरी गुड वेरी गुड मानव बी 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 तीन बार बी बोला है मतलब प्रेशराइज कर दिया है

एग्जैक्ट नहीं है ये एब्स्ट्रैक्ट आंसर है

कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए ठीक है एवरीवन चलिए बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए अब आते हैं भैया द मेन फोकस जो आ, आज के एडिटोरियल पर होगा हम लोगों का और एडिटोरियल से किस तरह से एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे कोई जल्दी नहीं मेरे भाई अब से जो हम लोगों का सेशन होगा वो इसी तरह से आराम आराम से चलेगा हम लोग कोई एसेट नहीं करेंगे और आप लोगों की जो भी आप लोगों को लगता है कि सर सजेशन है ये हमारी तरफ से तो आप लोग बताते भी रहिएगा मुझे ठीक है एक बार मैं खुद को यहाँ से गायब कर लू जिससे आपको सारी चीजें विजिबल हो ठीक है चलिए भाई सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ से बताऊंगा देखो एडिटोरियल में भी क्या होता है कभी कभी वहां पर वो ग्रामर को फोकस नहीं करते हाँ ये होता है जैसे कि आज के पैराग्राफ में देखने मिलेगा आपको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है और एपेक्स बॉडी है तो इसको टाइटल रिप्रेजेंट करा रहे हैं सुप्रीम का तो द आना चाहिए लेकिन आज के एडिटोरियल में जो ऑर्डर है उन्होंने द यूज नहीं किया अब हम ये नहीं कहेंगे कि यह गलत है लेकिन हमारे एग्जाम में आएगा तो हम गलत मानेंगे क्योंकि एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू पर हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल देखो यही चीज आप लोगों को भी अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है कि गलती क्या क्या हो सकती है ठीक है कैसे करते हैं बिल्कुल सत्यम यही मैं बताऊंगा अब हमारे पैराग्राफ से तो बी स्टेट ट्यून्ड हियर और थोड़ा सा बस चीजों को समझना है ठीक है चलिए करो जल्दी से सुप्रीम कोर्ट हैज बूस्टेड इंडिपेंडेंस ऑफ एसईसीज इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने बूस्ट किया है मतलब बढ़ावा दिया है किसको इंडिपेंडेंस किसकी इंडिपेंडेंस को एस एस मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ठीक है इन होल्डिंग इनके बाद आईएनजी फॉर्म आ रहा है मेरे भाई लोकल बॉडी इलेक्शंस यानी कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको पूरी छूट दे दिए कि भैया तुमको अब अच्छे से लोकल बॉडी इलेक्शन कराने हैं लोकल बॉडी मतलब जो लोअर लेवल पर होते हैं जहां सबसे ज्यादा धाधलेबाजी होने की संभावना होती है ठीक है तो देखो सबसे पहली बात कौन सा टेंस यूज हुआ है यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट कौन सा टेंस

More than a quarter century has elapsed. Elapsed का मतलब बीत चुका है निकल चुका है. है. देखने मिल रहा है। गलती खुद मार्क कर लोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट तक लेकर आ रहे हैं पास्ट के इवेंट को इवन दो मोर देन passed सेंचुरी हैज Constitution was अमेंडेड टू मेक अर्बन एंड रूरल बॉडीज लोकल बॉडीज अ सेल्फ contained थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस देखिए समझिए कितनी अच्छी बात कही है हालांकि एक चौथाई की सेंचुरी यानी पच्चीस साल लगभग बीत चुके हैं सौ साल में से और कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट किया था क्या किया भैया कि लोकल बॉडीज जो हैं उन्हें अपना तीसरा दर्जा गवर्नेंस का दिया जाना चाहिए ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें वॉज अमेंडेड पैसे वॉइस यूज हुआ है अमेंड किया गया था टू मेक अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज अ सेल्फ कंटेन्ट यानी स्वतः जो गवर्न करे ठीक है थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस इट इज ऑफन एग्रीड बाय एक्सपर्ट्स यानी ये एक्सपर्ट्स के द्वारा भी एग्री किया जाता है दैट

स्वतः तो their, their मतलब autonomy. Autonomy मतलब पावर करने की गवर्नेंस करने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं हाउ एवर हालांकि यहाँ पर कितना बढ़िया वर्ड लिखा है

मैनर शब्द के बाद जब आपको सब्जेक्ट जोड़ना है देखो आगे लिखा है देआर रेप्रेजेंटेटिव

Often mad by the violence and charges of arbitrary. डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ बॉडी के इलेक्शन होते हैं तो छोटे यहाँ पर चीजें uh, तो समझ में आपको आए की ये लोअर लेवल के इलेक्शन की बात हो रही है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी लोकल बॉडी पोल्स बीन कंडक्टेड इन एंड मैनर इज द एक्सटेंड टू विच द इलेक्शन कमिश्नर द अथॉरिटी दैट सुपरवाइजे सुपरवाइज देख रेख करते हैं द इलेक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो यहाँ बता दी गई है कि इस बार चाहते हैं वो कि इलेक्शन जो कमिश्नर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह से सुपरवाइज करें इलेक्शन को एकदम इंडिपेंडेंट होकर और ऑटोनोमस होकर यानी उनके पास अधिकार हैं कि आप इनमें दखल दें और जो भी गलत है उसको नोटिफाई करें ठीक है मेरे भाई अगले पैराग्राफ पर आते हैं अनफॉर्चुनेटली देखिए अक्सर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में आकर पूरे पैराग्राफ को क्वालिफाई करते हैं ठीक है थीके? ये एडवर्ब है अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रेजन इन दिनियर ब्यूरो टू अर्थ वाला है, जिसने ये बहुत की है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट होती है वो पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं है, उन उनमें से अपने जो फेवरेट लोग हैं उन्हें उठा लेते हैं फेवरेट लोगों को उठाते हैं और उनको वहां ऐसी बना देते हैं ठीक है सुपरवाइज क्यों किया सिर्फ प्लीज समझाओ सर प्लीज समझाओ सुपरवाइज़ पर क्योंकि इलेक्शन सिंगुलर वर्ड है भाई इसीलिए यूज़ आगे बढ़ते हैं चले भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो ये चीज अपॉइंट करते हैं इन प्रैक्टिस इस प्रक्रिया में एसईसीएस फ्रीक्वेंटली फेस चार्जेस ऑफ बीइंग पार्टीजन मतलब एक तरफ झुकाव

डेट्स फॉर द इलेक्शंस बिकम मायर्ड इन कंट्रोवर्सीज एज अ रिजल्ट यानी कहीं ना कहीं परिणाम इस चीज का क्या आता है कि शेड्यूल कास्ट को फिक्सेशन देना है कैटेगरीज की यहां पर पोस्ट फिक्स है यानी इस पर्टिकुलर वार्ड में जो होंगी वो इस तरह से वेमेन कैटेगरी रहेगी तो ये सारी बातों का कॉन्ट्रोवर्सी का एक बोलता है जत्था उन लोगों के प्रति वहां देखने मिलता है और जो कॉन्ट्रोवर्सी बन जाता है क्योंकि लोग आपको भी पता है किसी को नहीं छोड़ते आजकल आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं वो इस चीज को काफी ज्यादा

और कहीं ना कहीं ये उनके उस पॉइंट को डिफाइन करता है का मतलब troubled, परेशानी में ऑफ ऑल स्टेट हालांकि आसानी से सारे राज्यों के आधार पर जनरलाइज नहीं की जा सकती ऑल दो मैनिंग पोजिशन देखिए मैनिंग का मतलब क्या होता है समझना मैनिंग का मतलब क्या होता है मैन पावर प्रोवाइड करना मैनिंग का मतलब क्या होता है जैसे कोई व्यक्ति होता है जो ठेकेदार होते हैं ना जो किसी जगह पर लोगों को लेबर क्लास को पहुंचाते हैं तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है यानी मैन पावर को डिप्लॉय करना कहीं पर तो मैनिंग द द इट इज दैट इलेक्शन डू नॉट सीम टू एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज एंड द पब्लिक टू सेम एक्सटेंट यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जो ऐसी चीज होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं मतलब उनको ये चीज मिल नहीं पाती कॉन्फिडेंस क्योंकि पार्टीशन का

सब लोगों के लिए ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं इट इज is... इन दिस बैकड्रॉप यानी इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयरिंग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी समवन वन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंपोर्टेंस सेलियंट फीचर होते हैं किसी के तो हम लोग सेलियंस बोलते हैं ठीक है थीके? तो इन दिस बैकड्रॉप इस परिस्थिति में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो क्या डिक्लेयर करता है कि जो एसई सी है वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट रहे स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर्स के इंपॉर्टेंस के हिसाब इट हैज द गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन इन आस्किंग इट्स लॉ सेक्रेटरी टू होल्ड एडिशनल चार्ज एज एसईसी एज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देखिए भैया क्या बात कही गई है यहां पर ये डिस्क्राइब किया गया कि गोवा गवर्नमेंट का जो एक्शन है वहां पर उनके जो लॉ सेक्रेटरी हैं जो इस एसीसी का जो एडिशनल चार्ज होल्ड करते हैं वो क्या शो करता है अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल शासनादेश है उसको एक बोलते हैं ना मॉकरी यानी एक मजाक बना के रख दिया है वहां पर देखिए भाई कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पर

<coughs> I'm sorry. In practice, most states appoint retired bureaucrats as SECs. Whether the apex court's decision would have a bearing on those who are no serving state governments remain to be seen. देखो एक तो आदेश दे दिया कि जो लोग directly appoint हुए हैं वो step down कर दें लेकिन एक practice के अनुसार state क्या करती हैं कि जो bureaucrats होते हैं retired उन्हें appoint करती हैं अपने क्या state state selection commissioners अब भले ही Whether the, the Supreme Court yeah I mean, Apex Court's decisions would have a bearing on those who are no serving state governments remains to be seen. Jata hai However, it is clear that these governments will now have to find a way to appoint to the office.

फैसला रिजल्ट इंडिपेंडेंस देखो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज सही है कि अगर खत्म हो जाएगा तो लोगों के दिमाग में क्रेडिबिलिटी डेवलप होगी इलेक्शन के प्रति मोर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंटलीज बूस्टेड द पावर ऑफ इलेक्शन वॉचडॉक वॉचडॉक का मतलब अलर्ट करना ठीक है जो निगरानी रखेगा By holding that, it is open to the द

पर states के लिए एक, बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें अब होश में आ जाना चाहिए रियालिटी के कि अब वो लोकल बॉडी पोल्स को जिस तरह पास्ट में कंट्रोल करते थे अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब काफी स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेकर ठीक है मेरे भाई यहाँ तक कोई इशू किसी को रेजिम का मतलब का हम लोग अगर डिफाइन करें तो दो तीन मीनिंग होते हैं सबसे पहले रेजिम का मतलब अगर देखें तो एक तो कमान भी होता है कमान बोलते हैं ना जैसे घोड़े की जो आ, कमान होती है उसे रेजिम बोलते हैं ठीक है थीके? मतलब मोड ऑफ रोल बोल सकते हैं रूल और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर हम डिफाइन करते हैं ठीक है गवर्नमेंट जो पावर में उसको रेजिम बोलते हैं ठीक है शासन को बोलते हैं कमान को बोलते हैं तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर बंटी भाई समझ में आती है हम लोगों को ठीक है चलिए भाई तो आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ कितना बढ़िया था समझ में आया हो एक बार पहले मैं खुद को विजुअलाइज कर लू

Paronym, आप लोगों ने होमोनिम सिनोनिम्स ये सारे सुने होंगे पेरोनेम सुना है किसी ने तो पैरोनिम्स क्या होते हैं जो सेम रूट से पैदा हों लेकिन उनका जो मीनिंग है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए देखो ह्यूमिलिएशन और ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी मतलब मॉडेस्टी और ह्यूमिलिएशन का मतलब जहां इंसल्ट की बात

तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं गाइस आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हूँ और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए तीन बजे आज हम लोग प्रेपोजिशन डिस्कशन के लिए मिलने वाले हैं जिसमें मैं आपको एरर्स बताऊंगा प्रेपोजिशन से रिलेटेड एकदम शानदार तरीके से मजा आएगा तो आज के सेशन को यही विराम देते हैं तब तक के लिए प्लीज टेक केयर जय हिंद एवरी राधे राधे थैंक यू सो मच